के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाजरीन, एलपीजी माफिया मुर्दाबाद के यहां पे नारे लग रहे हैं। एलपीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहली मरतबा प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर रही हूं। पहले भी हुकामे वालों को, ईमान में बैठे लोगों को ये बावर करवा चुकी हूं और इस बारे में मैं अवेयरनेस क्रिएट कर चुकी हूँ कि एलपीजी के लिए, एलपीजी के हसूल के लिए शहरी जो है वो किस तरह से खबर हो रहे हैं। ओगरा की मुतय्यन करदा रेट के मुताबिक एलपीजी की जो कीमत है वो 113 रुपए फी किलो है, लेकिन हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है कि एलपीजी जब लेने जाएं सर्दियों में तो अब एलपीजी की जो मार्केट की कीमत है ओगरा के मुतय्यन करदा रेट्स के बावजूद 200 से ऊपर मिल रही है। इसी बात के खिलाफ सरापा एहतजाज ये लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये रक्षा यूनियन है और रक्षा यूनियन आज अकेली नहीं है बल्कि उनके फैमिलीज यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर है जो कि सरापा एहतजाज है। यहाँ पर हांडियाँ लेकर आई गई हैं, चूल्हे लेकर आए गए हैं और चूल्हों के साथ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी के ऊपर भी बारहा प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल है वो किस तरह से हमारे माशरे में किया जाता है। अब नई आने वाली हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए एक बाजगश्त जो है वो शुरू की है, लेकिन वो काम कहाँ तक जाएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक काम हो क्या रहा है वो बात गौर तलब है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम इन लोगों से हम बात करेंगे, इनके मुतालिबात क्या हैं और इनको किन किन मुश्किलात का सामना है ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजीद गौरी साहब जो कि अवामी रक्षा यूनियन के सदर हैं। यहाँ पर उनकी मिसेज भी मौजूद हैं, आयशा गौरी साहिबा जो कि मजीद गौरी साहब की जो है वो अहलियाँ हैं, और दीगर भी रक्षा यूनियन के जो खवातीन हैं उनकी बेगमात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, हर उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं। कोई गोद में है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है और कोई माँ है, कोई किसी की बहन है और कोई किसी की बेटी है। मजीद गरीब साहब, कोई सियासत हो रही है यहाँ पर कि आप अपनी फैमिली यहाँ पे ले आए हैं, फैमिलीज यहाँ पर आ गई हैं, क्या सियासत हो रही है किसी बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया, मुझे एक बात बताएं कि अपने किचन के लिए निकलना, अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना, ये कोई सियासत है? हम कोई वोट मांगने थोड़ी आए हैं, हम कोई हुकूमतें गिराने थोड़ी आए हैं, हम तो अपने मसाइल को उजागर करने के लिए आए हैं कि इस नए पाकिस्तान में हमें मिला क्या है। महंगाई, गुर्बत और ओगरा का रेट 100। आज खवातीन क्यों आई है? आपको ये सवाल करना चाहिए था घर में। कहा ना कि सियासत हो रही है, कोई जो फैमिलीज को ले आए। नहीं नहीं नहीं, नेचुरल गैस, हमारी रक्षा यूनियन में तमाम पार्टीज के लोग मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने सबको वोट दिया? किसी ने पाकिस्तान किसी ने पीटीआई को दिया, नून लीग का को, जमा इस्लामी का। हर गुजारिश ही है कि आज ये खवातीन इसलिए आई है कि घर में गैस तो आ नहीं रही, एलपीजी जो है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर है। 113 रुपए रेट है, आपने पिछले भी प्रोग्राम किया था 3-4 दिन पहले, 113 रुपए रेट है ओगरा का मंजूर शुदा, मगर 190। मैंने प्रोग्राम किया था उस दिन, ओगरा का मुकरर करदा रेट 113 था, लेकिन आप 180 रुपए में लेने पर मजबूर थे एलपीजी। लेकिन अब मैंने ये भी बात सुनी है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और मेरे अपनी रिसर्च ये कह रही है कि अब 200 से ऊपर ब्लैक में रेट चला गया, ये बात सच है? मांगे वाले रोड के ऊपर, मांगा रोड के ऊपर रात को 200 रुपए एलपीजी बिक रही थी, 180 रुपए से कम कहीं भी नहीं मिल रही। किसी को नहीं मालूम इस बात का? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डीसीओ लाहौर ने मीटिंग बुलाई थी, डीसीओ लाहौर ने कहा कि आप आए, वहाँ पे कंपनी आई और डिस्ट्रीब्यूटर आए और सबके साथ बैठकर मीटिंग हुई। डीसीओ साहब ने कहा कि आप हमारे साथ तावन करने बना, हम एक्शन करेंगे। क्या मतलब एक्शन करेंगे? हमारे खिलाफ हमें पकड़ेंगे। तावन किस चीज का दरकार है आपसे? इस चीज का दरकार करें कि हम एहतजाज ना करें, ताकि आपके एहतजाज की आवाज ऐवानों तक ना पहुंचे। क्यों 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 आप क्यों जो रेट है उनको मुकर्रर करदा, तायुन करदा रेट्स के मुताबिक डीसी जो ऑफिस है वो फरोख्त करने में कामयाब नहीं है, ब्लैक माफिया को पकड़ने में कामयाब नहीं है, आपको घरों से निकलने के लिए क्यों रोका जा रहा है?
गुजारिश ये है कि हमारे घरों से निकलने से लोगों के अंदर शौर पैदा हो रहा है। गुजारिश ये है कि 113 रुपए वाली जब एलपीजी 180 में मिलेगी, नान 2 रुपए महंगा हो चुका है, रोटी 2 रुपए महंगी हो चुकी है, घर में गैस नहीं आ रही, एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर है और एलपीजी वाफर मिल रही है। एलपीजी का किसी किस्म का कोई फुकदान नहीं है। तलब तलब और रसद का बहाना ना बनाया जाए। डीसीओ साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर रेट कम कर रेट असल सतह पर ले आऊंगी, जो असल रेट 113 रुपए उस पर बिकेगी और मैं अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भेजूंगी, कमेटियां बनेंगी, प्लांट सील करेंगे और गैस माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मनीष सब सवाल सुन लीजिए नाज़रीन, सवाल ये है क्योंकि अभी मजीद वारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अवामी रक्षा यूनियन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो अभी मजीद वारी साहब जो जिस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, मजीद वारी साहब मैंने ये यहाँ पर नोट किया है कि आप एहतजाज करें किचन के ऊपर कि किचन में जो गैस इस्तेमाल करनी है वो भी नहीं मिल रही, लेकिन सवाल मैं फिर भी आपसे पूछूंगी कि अगर आप एलपीजी के ऊपर एहतजाज करते हैं और रक्षों में तो एलपीजी जो है और सिलेंडर जो है वो बैन है, इसलिए आप किचन के लोग साथ में ले आए हैं कि किचन के ऊपर हम करेंगे, सवाल में से नहीं पूछे जाएंगे तो रक्षा में तो बैन है एलपीजी, ये मकसद है? नहीं नहीं नहीं, देखिए 2013 तक एलपीजी रक्षों में लीगल थी। अच्छा। उसके बाद हुकूमत ने नोटिस लिया कि इसको बैन कर देना चाहिए। अच्छा। मगर यही सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। यही दुकान। आप एहतजाज किस पे कर रहे हैं, रक्षों के लिए एलपीजी लेने के लिए सस्ती या फिर घरों के लिए एलपीजी लेने के लिए सस्ती? मौका दे मुझे बोलने का। हम एहतजाज कर रहे हैं घरेलू सार्फिन के लिए, हम एहतजाज कर रहे हैं रक्षा ड्राइवरों के लिए, हम एहतजाज कर रहे हैं तंदूर वालों के लिए, नान वालों के लिए, रोटी वालों के लिए, होटलों वालों के लिए, कमर्शियल यूज करने वालों के लिए। मजीदुर साहब एक और सवाल, मैं सिंपल सवाल पूछूं, मुझे इसका सिंपल जवाब चाहिए, रक्षे में एलपीजी बैन है राइट? देखिए जी, बैन है तो हुकूमत वक्त को चाहिए नोटिस ले और क्रैक डाउन करे, हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो कहते हैं कि हमें तो ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर फराहम किए जाए, हम ये सिलेंडर रजाकराना तौर पर हुकूमत को जमा करवाने के लिए तैयार हैं। 85,000 रक्षा लाहौर में चल रहा है, 85,000 से 7.5 लाख खानदान वाबस्ता है, क्या इनको बेरोजगार करना चाहते हैं? वही सिलेंडर जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर, वही सिलेंडर हम रक्षों में इस्तेमाल करते हैं। कानूनी और गैर, ये गैर कानूनी वाली आप बात ना करें। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत को देखना है कि कौन सी चीज कानूनी है और कौन सी गैर, ये गैर कानूनी नहीं है कि 113 रुपए वाली एलपीजी हमें 200 रुपए में मिले, ये गैर कानूनी नहीं है कि घरेलू सिलेंडर 700 रुपए महंगा हो जाए, ये गैर कानूनी नहीं है कि 3200 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जाए और डीसीओ लाहौर के मैं कीमतें कंट्रोल कर लूंगी। मेरी बात सुन ले, मुनाफा खोरों के साथ डीसीओ का अमला, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये सब मिले हुए हैं, ये चोर चौकीदार सब इकट्ठे हैं, ये प्लांटों वाले, ये मार्केटिंग कंपनियों वाले, ये प्रोड्यूसर, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये सब मिलकर मुनाफाखोरी में मुलव्वस है। अरबों रुपया अवाम की जेबों से डाका डाला जा चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से, वजीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा कोई अपने बच्चे शौक से लेकर सड़कों पर नहीं आता। मैं भी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर एहतजाज में शरीक हुआ हूँ। मुझे कुछ सवालात यहाँ पे खवातीन से पूछने हैं। खवातीन आयशा साहिबा कहाँ पे? आयशा साहिबा, मुझसे आपसे ये सवाल पूछना है कि क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी मैं वजीद साहब से पूछ चुकी हूँ, वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हैं, हम पर्टिकुलरली जो सीएनजी रक्षों में इस्तेमाल होती है चाहे वो गैर कानूनी है, हम एलपीजी घरों में भी इस्तेमाल करते हैं रोटियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है सर्दियों में। अब मैं पूछना ये चाहती हूँ क्या क्या दिक्कत है, आपकी रोजमर्रा जिंदगी का दारोमदार किस तरह से चलता है, किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, कौन से तबके से ताल्लुक रखते हैं, किस जमात से आपको सबसे ज्यादा तवक्कुआत थी? सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरत तो गैस ही है ना, जितनी भी बुनियादी जरूरत है उनमें सबसे बढ़कर गैस है। अगर हमारे घरों में गैस नहीं आएगी तो अल्टरनेट एलपीजी ही यूज करनी है हमने। अब उस एलपीजी के ऊपर ही हमारा नाश्ता है, उसके ऊपर ही बच्चों के स्कूल है, उसके ऊपर ही खाना है, उसके ऊपर ही मेहमानों को डील करना है। जब वो चूल्हे ही नहीं जलेंगे तो फिर हम कैसे अपने घरों को चलाएंगे? एलपीजी तो दस्तियाब है मार्केट में, नहीं लेकिन महंगे दामों। हाँ जी बिल्कुल, क्यों ब्लैक में मिल रही है? जी ब्लैक में मिल रही है। क्या रेट क्या है, आपने को कहाँ से मालूम पड़ा कि 113 रुपए जो है वो रेट है लेकिन आपसे ज्यादा रेट लिया जा रहा है? क्योंकि ये देखे ना, क्योंकि मार्केट में तो सब पता लग जाता है ना कि कितना रेट है, कि 113 से ये क्रॉस करती करती 160, 180, 190, 195 और 100 भी, 200 रुपए भी क्रॉस किया, 200 रुपए। और अगर अब भी ये देखिए, मुसलसल चौथे पांचवें एहतजाज के बाद सारे अपने फैमिलीज के साथ निकले हैं,
तो बजाय इसके कोई रेट मुनासिब होते वो तो और उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, क्या कहेंगी उन लोगों को जो अभी सीटों पे बैठे हैं और आपकी बात सुन सकते हैं लेकिन सुन नहीं रहे, लेकिन आपको इतनी अजियत है कि आप इतने अपनी कमाई में से एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकते हैं। नाज़रीन, वो लोग जो रेस्टोरेंट्स में बैठ के महंगे महंगे खाने खा लेते हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि इन लोगों के लिए 50 रुपए की क्या वैल्यू है, और ये 50 रुपए या फिर 100 रुपए बचाने के लिए यहाँ पर अपने बच्चों समेत मौजूद हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ये दूसरा प्रोग्राम कर रही हूँ एलपीजी के ऊपर, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इनके लिए 100 रुपए की क्या वैल्यू है। शायद जिनको सीटें मिल गई हैं, जिनको अवाम ने वोट दे दिया है और वो अवाम के वोट हासिल करके ऐवानों में बैठ गए हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि 100 रुपए की इन लोगों के लिए क्या अहमियत है, कितनी अहमियत है 100 के नोट की। जी बिल्कुल, 100 के नोट की तो बहुत अहमियत है कि देखिए जहाँ सिस्टम चल रहे थे वहाँ से अब उसका एक तिहाई भी नहीं हासिल होता। आप ये देखे ना जरा, ये सारे जो तबके इनसे पूछे कि 100 के इनके लिए 50 की बहुत अहमियत है, जहाँ पे 50 में वो सारा घर मैनेज करते थे वहाँ 200 रुपए में भी मैनेज करना जो है मुश्किल हो रहा है। आप इन 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 लोगों से पूछें, हमसे पूछें यहाँ के मेहमानों को डील करना, अपने घरों को चलाना, सुबह को बच्चों को डील करना, उनके लंचेस को डील करना, सारी ऑल्टर जो है जिंदगी के निजाम दरहम बरहम हो गए। एक रक्षा ड्राइवर की फैमिली किस तरह से अपनी जिंदगी चलाती है, कितने रुपए में जिंदगी चलाती है और क्या क्या मैनेज करना पड़ता है उस लिमिटेड अमाउंट में, ये तो हमें पता है हम घर कैसे चलाते हैं। ये खान साहब आके अच्छी तब्दीली ले आया है कि घर में हम चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गए हैं, बच्चे स्कूल में जाना लेट हो गए हैं, तो जारी बात है बहुत गलत हो रहा है। गैस इतना महंगा हो गया, गैस मिलता है, एलपीजी मिलती है, लेकिन इतने महंगे दाम में मिलती है कि मजबूर गरीब जो गरीब इंसान है ना वो घर में चूल्हा नहीं जला सकता। बेटी है ये आपकी? हाँ जी। कितने साल? 5 माह की है। 5 माह की है, दूध पीती है, गर्म करके देती? हाँ जी। और इसी सिलेंडर के ऊपर इसका दूध गर्म करना पड़ता है? जी। हम कभी घर से बाहर बच्चों के साथ नहीं निकले, लेकिन हम अब मजबूर होकर घर से बाहर निकले हैं, वो भी बच्चों को लेकर। उधर 2 दिन जा रही है महंगाई की वजह से। देखे अगर बच्चे हैं तो बार बार ये जो छोटे बच्चे हैं इनको दूध गर्म करके देना, बड़ों को नाश्ता बना के देना, अगर वो 200 में जाएगी तो देखे वो कितने दिन गुजरेंगे। ये रिक्शा ड्राइवर के लिए तहाई इंतहाई मजबूरी फैसला है। देखे वो दिन रात करके सड़कों पे फिर के अपने बच्चों की रोटी कमाए और ले हुकूमत जाए और ये ले जाए, ये बेहद इंसानियत है। देखें जरा ये बात मुमकिन नहीं है। हमारा भी दिल करता है हम अंदर बैठे, घर के बड़े बड़े लोग हैं, कौन सी औरतें जो इस तरह बच्चे लेके सड़कों पे आती हैं? ऐसा ही है, हमें कोई मजबूरी हुई है तो हम बच्चे लेके सड़कों पे आए हैं। हम इल्तजा करती हैं कि नहायत हमारे हक में फैसला जल्दी से जल्दी अच्छा होना चाहिए। सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी, आपको तवक्को है कि आपके हक में फैसला हो जाएगा? ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, बहरहाल ठीक है अगर ना होगा तो ठीक है, खड़े हैं, बार बार ऐसे ही इत्तेजाज बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही सड़कें ब्लॉक करते जाएंगे कि वरना देखे एक एक कमाने वाला और 6-6, 7-7 बच्चे, बीवी, माँ बाप, घर, 1 किलो बढ़ाए उसमें कितने दिन गुजरेंगे। नहायत इसके मजबूरी हस्बैंड के लिए भी पैदा होती है और वाइफ के लिए भी पैदा होती है। मैम कितने कौन कौन है घर में कौन कौन, कितने बच्चे हैं? हाँ जी, 4 मेरे बच्चे, 2 मियां बीवी, आप मेरे सास ससुर। कम से कम देखें अगर 1 किलो में अंदर डलवाऊं तो उसमें मेरे कितने दिन गुजरेंगे, उससे नहायत बेहतर अगर मेरा मियां बाहर से कमा के उतना लाएगा नहीं तो मैं फिर ऐसा करूंगी, बच्चे रहने दो, एक टाइम खा लो एक टाइम रहने दो। तो देखे माँ से बच्चों का भूखापन देखा तो नहीं जाता, ऐसा ही है। अगर जो हमारे हक में कुछ बेहतर होगा तो हम अपने बच्चों को खिला सकेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह, बड़े बड़े लोगों का बनता है खिलाना, हमारे बच्चे वो ऐसे बच्चों में नहीं है। मैम मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, बुनियादी जो के फ़राइज़ में शामिल है हुकूमत के, वो अपनी आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। बेहतरीन सहूलियात के लिए ही हुकूमतें बनती हैं, रियासत बनती है, हुकूमती इदारे काम करते हैं और ज़िंदगी का पहिया चलता है। लेकिन अगर यही हुकूमती इदारे, रियासत और हुकूमत ये मिलकर सोच जाएंगे और ये बुनियादी असूल इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से चलेगी रियासत, किस तरह से चलेगा ये मुल्क और किस तरह से चलेंगे रियासती इदारे? क्योंकि बेसिक ज़रूरत है, इंसान खाएगा तो फिर कोई और काम करेगा, और यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के लिए ही बुनियादी
صرف بنیادی اجزاء کے لیے انتہائی بنیادی نکات کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہیں. نعرے لگائی تھے, تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں آپ؟ کیا دکھ ہے, کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں کہ ہم میرے والد صاحب ہیں, ایک رکشہ ڈرائیور, اور رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ بہت ہی غریب مجبور ہو کر وہ رکشہ چلاتا ہے. اس کی مجبوری سے وہ اگر وہ بہت ہی مجبور ہو کر نا سارا دن کما کے روڈ پہ چل کے, تو وہ بہت مشکل. دھوپ ہے, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, اور سب کو اس نے فیس کرنا ہے. جی بالکل, اور وہ بہت مشکل سے نا تقریباً 500 سے اوپر وہ کما نہیں سکتا. اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ 500 روپے میں رکشے میں گیس بھروائیں, وہ بھی اتنی مہنگی, 113 روپے والی گیس 200 تک فروخت ہو رہی ہے. اب وہ پہلے ہم رکشے میں بھروائیں, پھر جب گھر آتے ہیں وہ تھکے ہارے وہ گھر آتے ہیں, تو گھر آ کے جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر میں بھی گیس نہیں آ رہی. پھر گھر میں بھروانی ہوتی ہے, گھر کا خرچہ اس 500 میں 600 میں نہیں چل سکتا. تو ہماری جو ہے عمران خان صاحب سے اپیل ہے, خدا را غریب عوام پر رحم کیا جائے اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ غریب عوام بھی نہ اپنے روزی روٹی کما سکے. ٹھیک ہے ماں جی, آپ تھوڑا آگے آئیے گا, کیا کہیں گی, کیا ہے مشکل, کیا ہے, کیا مشکلات؟ اچھا لے کے جاتا ہے تو تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں, اتنی مہنگی ہے گیس تو گھر کی گیس ملی ہے تو ہم بوڑھے ہیں, کیسے روٹی کھائیں, اپنے بچوں کو کیسے دیں, کیا کریں, بڑی مشکل ہے. مہربانی کر کے عمران صاحب سے کہیں کہ کچھ خیال کریں. امید عمران خان صاحب سے, سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے, سب سے مطلب اوپر والی جو پوسٹ ہے, آپ اسی سے امیدیں رکھ رہے ہیں, کیوں آپ مایوس ہیں ضلع حکومت سے, ضلع انتظامیہ سے؟ مایوس ہیں, ہم تو اللہ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی رحم کرے, جن لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے تو تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی, ہمیں تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی, یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا سب. اور بھی میں لوگوں سے بات کروں گی. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہنا میں یہی چاہتی ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں یہ ڈی سی آفس سے براہ راست جو بات چیت ہے وہ کر چکے ہیں, مایوس ہو کر یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا ہے. اگر تو ڈی سی آفس کے باہر بھی احتجاج کیا گیا, انہوں نے رکشہ جلانے کی بھی کال دی ہے. ناظرین بات اتنی ہے کہ اگر میں ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہوں اور شاید رکشہ بھی بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. رکشے میں سی این جی سلنڈر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے جو قابل قبول ہے. نہیں ہونا چاہیے, خطرناک سواری ہے, خطرناک ہے کہ ایک رکشے کے اندر سلنڈر ہو تو وہ کبھی بھی کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں اتنی ہی الیگل لگتی ہیں, اگر تو جو رکشہ ہے وہ ایک نہایت خطرناک سواری ہے, اگر تو رکشے کے اندر جو ایل پی جی سلنڈر ہے وہ چلتا پھرتا بم ہے, تو اس کو ایک ہی دفعہ بین کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں ان لوگوں کو دوسرے روزگار کی طرف جانے کے لیے انکریج کرتے, کیوں نہیں آپ پرماننٹلی جو لاہور شہر میں لاکھوں کی تعداد میں رکشے ہیں ان کو بند کر دیتے تاکہ یہ لوگ کسی اور روزگار کی طرف جائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. کیوں ان لوگوں سے روزمرہ کی بنیاد کے اوپر لاکھوں روپے نہیں اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک غیر قانونی چیز کو بند نہیں کرتے لیکن اسی غیر قانونی چیزوں سے, انہی غیر قانونی اشیاء سے آپ اربوں روپے حکومتی خزانے میں ڈالتے ہیں انہی غریب لوگوں کی جیبیں کاٹ کے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین اسی سوالیہ نشان کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی, آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.